हेलो एवरीवन तो मैं हूँ सुरैया गौसल और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे पैरिस चैनल पे तो आइए आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास ट्वेल्थ का सेकंड चैप्टर ये हमारा थर्ड वीडियो है इस चैप्टर का तो देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस यहाँ पे हमारा सबसे पहला टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टेडिक पोटेंशियल फॉर अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हमें क्रिएट करना है या फाइंड करना है हैविंग अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस से तो देखो यहां पे कंसिडर करते हैं हियर वी कंसिडर टू चार्जेस वन चार्जेस क्यू वन अनदर चार्ज क्यू टू सपोज कर लो कि कोई दूसरा चार्ज क्यू टू इनिटी से मूव करके यहां क्यू वन तक आता है क्यू वन से कुछ डिस्टेंस आर तक आता है ओके okay? तो इस कंडीशन इस में एज यू नो हियर पोटेंशियल डिफरेंस मतलब इस पॉइंट से देखें इस पॉइंट तक पॉइंट ए से बी तक का पोटेंशियल कितना होगा मतलब अगर देखोगे क्यू वन चार्ज के थ्रू इसका पोटेंशियल इफेक्ट कितना होगा वन अपॉन फोर पाई एफ साइलोन नॉट इंटू क्यू बाई आर ओके यहां पर क्यू का वैल्यू कितना है क्यू वन है तो हमने लिख दिया क्यू वन बाई आर एंड वर्गडन विल बीक्व टू टेस्ट चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस हमने लिखा वन अपॉन फोर पाई एफ साइलोन नॉट इंटू क्यू वन बाई आर तो इसके जगह पे इसका वैल्यू रख लेते हैं तो डब्ल्यू कॉस्ट मिल जाएगा क्यू टू इन वन अपॉन फोर पाई एफसेलो नॉट इंटू क्यू वन बाई आर और जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा आपको वर्गन इज कॉस्ट टू वन अपॉन फोर पाई एफसेलो नॉट इंटू क्यू वन क्यू टू बाई आर यह आपको मिल गया वर्कडन का वैल्यू ओके एच वी नो दैट एनर्जी कंज्यूम्ड सो हियर पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि हमें एनर्जी ही फाइंड करना था तो देखो यूस टू मिल जाएगा Q1, okay. तो यह रहा पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू असिस्टम ऑफ टू चार्जेस अब चलते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू असिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस के बारे में बात करते हैं कोई चार्ज q1 वन कंसिडर किया जब हम किसी चार्ज q1 को यहां पर लाए थे तो यहां पर दूसरा कोई चार्ज मौजूद नहीं था ओके तो यहां पे पोटेंशियल क्या था जीरो उसके बाद में फिर हम दूसरा चार्ज लाते हैं यहां पे q2 चार्ज हमने लाया q2 चार्ज को ला रहे हो जो कि एट ए डिस्टेंस r12 पे रखा हुआ है फ्रॉम Q1 चार्ज यहां से वन आर वन डिस्टेंस पर आया दूसरा चार्ज क्यू तो यहां पर देख रहे हैं कि Q1 चार्ज के थ्रू कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा तीसरा चार्ज लेकर के आते हैं Q3, थ्री विच इज एट अ डिस्टेंस आर वन थ्री फ्रॉम डिस्चार्ज क्यू वन और यहां से Q2 से लेकर के Q3 तक का डिस्टेंस हम सपोज करते हैं आर टू थ्री हमें निकालना है टोटल डन ऑन दिस सिस्टम ऑफ चार्जेस या बाई दिस सिस्टम ऑफ चार्जेस तो देखो कैसे हम फाइंड करते हैं इसको डब्ल्यू वन इजक्स टू कितना हो जाएगा डब्ल्यू वन बोलोगे ये क्या है तो जब पहला चार्ज मूव करके यहां तक आया था तो टोटल वर्कडन कितना हुआ हम जानते हैं वर्कडन इजूक्स टू होता है क्यू वन इन टू वी और यहां पे पहले से कोई चार्ज अवेलेबल नहीं था तो टोटल पोटेंशियल जीरो रहा होगा तो क्यू वन इंटू जीरो तो डब्ल्यू वन ही मिलेगा डब्ल्यू वन क्या क्या मिल जाएगा डब्ल्यू वन मिल जाएगा जीरो क्योंकि वी का वैल्यू कितना है जीरो इसलिए मिल गया डब्लू वन इज जीरो एंड अब देखो जरा यहां पे वी टू क्या मिलेगा ये तो वी वन का वैल्यू हो गया या इसको वी रहने देते हैं? देखो वी वन का वैल्यू देखते हैं कितना होगा वी वन मिल जाएगा वन अपॉन फोर पाई एफ साइल नॉट इन टू क्यू वन बाई आर वन टू कहोगे सर आर वन टू कहां से आया इसके बीच का डिस्टेंस चेक कर लो कितना है आर वन टू है यानी कि इस क्यू टू चार्ज तक का डिस्टेंस आर वन टू हमने सपोज किया है यानी कि पोटेंशियल कितना मिल जाएगा वन अपॉन फोर पाई एफ साइलो नॉट इंटू क्यू वन बाई आर वन टू सो सेकेंड वर्क डन वर्कन इक्व टू क्यू टू इंटू वी वी वन ओके तो यहां पे वी वन का वैल्यू कितना है वन अपॉन फोर पाई एफ साइलो नॉट इंटू क्यू वन बाई आर वन टू तो लिख सकते हो डब्ल्यू टू इज इक्वल टू क्यू टू इंटू वन अपॉन फोर पाई एफ साइलो नॉट इन क्यू वन बाई आर वन वन टू ओके यहाँ पर हमने क्या लिख लिया आर वन टू अब देखो तो मिलेगा आपको वर्गन इज टू इधर लिखते हैं डब्लू टू विल विल्वस टू वन अपॉन फोर पाई एफ साइल ऑन नॉट इन टू क्यू बाई सॉरी क्यू वन क्यू टू देखो यहाँ पे क्या है क्यू वन क्यू टू बाई आर वन टू ये मिल गया आपको W2 टू ओके एंड जब तीसरा चार्ज मूव करके इस पॉइंट C तक आएगा सपोज इज पॉइंट ए दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज C ओके okay? तो जब तीसरा चार्ज मूव करके इंफिनिटी से मूव करके या कहीं से मूव करके इस सी तक आता है तो उस कंडीशन में हम देख रहे हैं कि यहां पे दो पोटेंशियल होगा पहला इस Q1 चार्ज के थ्रू जो पोटेंशियल क्रिएट हुआ वो पोटेंशियल होगा और दूसरा जो Q2 चार्ज से जो पोटेंशियल क्रिएट हुआ वो दूसरा पोटेंशियल होगा तो यहां पर देखते हैं वी वन टू इज देखो क्या मिल जाएगा वी वन टू कहोगे सर ये क्या है तो इसका मतलब होगा वी वन प्लस वी टू तो वी वन प्लस वी टू यानी कि टोटल नेट यहां पे निकालते हैं वैल्यू तो वी वन प्लस वी टू मिलेगा तो वी वन का वैल्यू देखो क्या आएगा वन अपॉन फोर पाई एफ नॉट इन टू क्यू वन बाई आर वन थ्री कहोगे सर यहां पे डिस्टेंस आपने आर वन थ्री क्यों लिया इधर तो आर वन टू लिया था तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है आर वन थ्री है इसलिए हमने यहां क्या आर वन थ्री प्लस अब इस इस केस में देखो वी टू का वैल्यू अगर आप फाइंड करोगे तो वी टू का वैल्यू कितना मिल जाएगा वन अपॉन फोर पाई एफ साइलोन नॉट इंटू क्यू टू बाई आर टू थ्री यहां पर मिलेगा तुम्हें वन अपॉन फोर पाई एफसेलोन नॉट इंटू क्यू टू बाई आर टू थ्री ओके दिस विल बी टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट सी ड्यू टू दीज टू चार्जेस क्यू वन एंड क्यू टू नाउ वर्कडन इक्वल टू क्यू थ्री इंटू वी वन टू ओके वी वन टू तो हम देखते हैं वी वन टू का वैल्यू यहां पे मिला हमें वन अपान फोर पाई एफसेलो नॉट इंटू क्यू वन बाई आर वन थ्री प्लस वन फोर नॉट इंटू क्यू टू बाई आर टू थ्री इन दोनों वैल्यू में हमें वन अपान फोर पाई एफ नॉट कॉमन दिख रहा है तो लिख सकते हैं वन अपॉन फोर पाई एफ आईलोन नॉट को कॉमन ले लो बचेगा क्या क्यू वन अपॉन आर वन थ्री प्लस यहाँ पे क्या बचेगा क्यू टू अपॉन आर टू थ्री ओके इन टू क्यू वन ओके यहाँ पे क्या सॉरी क्यू थ्री है क्यू थ्री मिला यहां पे क्या मिल गया क्यू थ्री देखो ये रहा क्यू थ्री मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें तो हमें W3 देखो क्या मिल जाएगा तो W3 मिल जाएगा वन अपॉन फोर पाई एफ साइलोन नॉट इन टू क्यू वन क्यू थ्री बाई आर वन थ्री प्लस क्यू टू क्यू थ्री अपॉन आर टू थ्री ये मिल गया हमें एंड एज यू नो दैट द टोटल वर्कडन बी बीव टू द सम ऑफ ऑल वर्कडन सारे वर्कडन के बराबर होगा टोटल वर्कडन अगर इस सिस्टम की बात करें इस पूरे सिस्टम में तो इसको देखो रफ करते हैं।, लिखते हैं तो यहां पर देखो मिल जाएगा एज वी नो दैट एज वी नो दैट हियर टू डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू प्लस डब्ल्यू थ्री अब देखते हैं पहले वर्कडन का वैल्यू है जीरो प्लस दूसरे वर्कडन का वैल्यू कितना है वैल्यू है वन अपॉन फोर पाई एफ साइलो नॉट इन टू क्यू वन क्यू टू बाई आर वन टू प्लस डब्लू थ्री का देखो वैल्यू कितना है यहां से वन अपॉन फोर पाई एफ नॉट को कॉमन लिया गया है और मिला है क्यू वन क्यू थ्री अपॉन आर वन थ्री प्लस क्यू टू क्यू थ्री अपॉन आर टू थ्री ओके इन दोनों इक्वेशन में भी हम देख रहे हैं कि वन अपॉन फोर पाई एफ नॉट कॉमन मिल जाएगा मिला वन अपॉन फोर बाई एफ एल नॉट इन टू क्यू वन क्यू टू बाई आर वन टू प्लस क्यू टू क्यू थ्री अपॉन आर टू थ्री प्लस क्यू वन क्यू थ्री अपॉन आर वन थ्री ओके ये हमें मिल गया टोटल वर्क डन एंड एज वी नो दैट डन विल बी ऑलवेज जी टू द एनर्जी कंज्यूम्ड सो यहां पर हमें पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी यही मिल जाएगी वन अपॉन फोर पाई एफ एलो नॉट इन टू क्यू वन क्यू टू अपॉन आर वन टू प्लस क्यू टू क्यू थ्री अपॉन आर टू थ्री प्लस क्यू वन क्यू थ्री अपॉन आर वन थ्री ओके इसी को अगर चाहें तो आप समेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं जैसे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन अ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ओके यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम किसी भी डाइपोल को प्लेस्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ओके और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या किया एक डाइपोल रख दिया ओके okay? ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल हम जानते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो चार्जेज होंगे दोनों आ, इक्वल होंगे बट अपोजिट साइन के होंगे एक प्लस क्यू चार्ज है तो दूसरा क्या होगा माइनस क्यू चार्ज होगा जब भी आप इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि रखते हैं तो हम जानेंगे कि दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस क्रिएट होगा बिकॉज अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी ना किसी चार्ज से उत्पन्न हुआ होगा बिना चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो ही नहीं सकता ना तो यदि यह किसी चार्ज से उत्पन्न हुआ तो उस चार्ज का पोलरिटी या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा तो सिंपली कह सकते हो कि यदि ये पॉजिटिव नेचर का होगा तो पॉजिटिव को क्या करेगा रिपेल करेगा और नेगेटिव को क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा ओके okay. नेगेटिव को क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा चूंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कह सकते हो कि यहाँ पे फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करो तो दोनों मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे ये हो गया हमारा यफ वन और दूसरा क्या हो गया एफ टू ऐसे कह सकते हो यहाँ पे यन और एफ टू दोनों बराबर हैं तो हमने दोनों को यफ लिख लिया तो दोनों फोर्सेस इक्वल हैं बट इन अपोजिट डायरेक्शन कहोगे सर दोनों फोर्सेस इक्वल कैसे हैं अभी मैंने बताया कि <coughs> सॉरी कि ये जो डाइपोल प्लेट हुए हैं ये डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ट हुए हैं और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसको कहते हैं जिसकी वैल्यू हर जगह सेम हो उसको बोलते हैं हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो देखो यहां पे अगर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हम जानते हैं फोर्स इजूक्स टू होता है क्यू इन टू और दोनों चार्ज का मैग्निट्यूड बराबर है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी बराबर है यानी कि यहां पर दोनों ही फोर्सेस इक्वल हैं, बट इन अपोजिट डायरेक्शन एंड टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस विल एक्ट ऑन दिस चार्जेस देन इट विल स्टार्ट टू रोटेट क्योंकि ये इसको अट्रैक्ट करना तो चाहेगा लेकिन ये जाएगा नहीं और जब नहीं जाएगा तो यहां पे क्या करना शुरू कर देगा रोटेट और जब ये रोटेट करेगा तो कह सकते हो कि यहां पे क्या लगा टॉर्क क्योंकि विदाउट टॉर्क कोई भी बॉडी रोटेट नहीं कर सकती है अगर रोटेशन होगा मतलब यहाँ पे टॉर्क है तो दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगे अगर तुमसे कोई पूछे कि नेट फोर्स कितना है तो यहां पर नेट फोर्स हो जाएगा जीरो ध्यान रखना नेट फोर्स हमेशा क्या होगा जीरो कहोगे सर जीरो कैसे होगा क्योंकि यहां पे दोनों फोर्सेस की वैल्यू इक्वल है बट इन अपोजिट डायरेक्शन और जब फोर्सेस की वैल्यू इक्वल एंड अपोजिट होगी तो अब वेक्टर फॉर्म में चेक कर सकते हैं कि जब भी दो वेक्टर, दो सेम वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जब होंगे और मैग्नीट्यूड अगर इनका सेम है तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा ओके तो यहाँ पर नेट फोर्स कितना हो जाएगा जीरो लेकिन ये जो दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं ये क्रिएट कर देंगे टॉर्क एंड डू टू दैट टॉर्क इट स्टार्ट टू रोटेट और यहां पर रोटेशनल मोशन होना शुरू हो गया और आप आपने पढ़ा है हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ाया था कि टॉर्क के जो टू होता है पीई साइन थीटा पीई साइन ओके तो यहां पर देखते हैं कि टोटल वर्क डन कितना होगा जब भी टॉर्क उत्पन्न हुआ तो रोटेट होगा और यदि रोटेट होगा तो यहां पर एंगुलर वर्क डन होगा तो देखते हैं कि टोटल डन कितना होता है टोटल डन निकालने के लिए हम यहाँ पर बहुत ही छोटा सा डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करते हैं कौन सा डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अस सपोज कि ये जो चार्ज है ये मूव करके यहाँ से अपने पोजीशन को क्या कर दिया चेंज कर दिया यानी कुछ इस पोजीशन में आ गया है मतलब यहाँ से इधर आ गया यहाँ से इधर आ गया ऐसे रोटेट किया और इसके बीच का एंगल कितना है थीटा टू मान लेते हैं ओके okay. क्या मान लिया थीटा टू मान लिया मतलब ये थीटा वन पे था पहले अगर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में तो इसका एंगल कितना है थीटा है या इधर देखो थीटा है और अब ये थीटा टू पे आ गया यानी कि बहुत ही कम एंगल रोटेट किया सबसे लो डी थीटा इसने रोटेट किया डी थीटा बहुत ही कम एंगल इसने क्या किया रोटेट किया तो उस कंडीशन में वर्कडन भी बहुत कम होगा क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है एंगल पे अगर यहां पे एंगल की वैल्यू बहुत कम होगी तो वर्गन भी बहुत कम होगा यानी कह सकते हो डी डब्लू सॉरी इज टू आपने पढ़ा है कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है लेकिन यहां पर जब एंगुलर वर्कडन की बात करते हैं तो एंगुलर वर्कडन विल बी इक्व टू टॉर्क इंटू डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि यहां पे टॉर्क क्या है टाउ हमने ले लिया इंटू डी थीटा ओके so on integrating both side on integrating both side from theta is equals to theta is equals to theta 1 to theta 2 okay pehle iska angle इस इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में थीटा वन था और अभी इसका एंगल कितना हो गया थीटा टू हो गया आफ्टर रोटेशन तो और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ डी थीटा तो इस कंडीशन में हमें इसको इंटीग्रेट करना है डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट कर दो तो जीरो से लेकर डब्ल्यू तक क्योंकि अभी जब ये रोटेट नहीं हो रहा था तो वहां पर कोई भी वर्क डन नहीं हुआ था तो जब भी डी डब्ल्यू को हमने इंटीग्रेट किया तो मिल गया टोटल वर्क डन हियर वी विल इंटीग्रेट इट विद लिमिट थीटा वन टू थीटा टू यहां पर देखो टॉर्क का वैल्यू कितना है पी ई साइन थीटा ओके पीई साइन थीटा और यहां पे क्या है? थीटा तो इंटू डी इसको इंटीग्रेट करते हैं देखो लिमिट किसका है थीटा का यानी कि हम क्या करते हैं थीटा का जब लिमिट है तो सिर्फ साइन थीटा को इंटीग्रेट करेंगे बाकी जो कॉन्स्टेंट टर्म है इनको बाहर निकाल लेते हैं तो वर्ड एजुकेस्ट मिल जाएगा पीई इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा इंटू डी एक चीज हमने यहां पे मिस कर दिया सॉरी सॉरी ठीक हाँ है इधर देखो यहां पे है ये थीटा वन और ये क्या हो गया थीटा टू इसको इंटीग्रेट करते हैं तो देखो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो मिल जाएगा वर्क डन विल बी टू पी ई थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस्ट थीटा होगा जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो तो साइन थीटा का हो गया माइनस कॉस्ट थीटा फ्रॉम थीटा वन टू थीटा टू यानी कि इसका लिमिट कहां से कहां था? थीटा वन से लेके थीटा टू तक है आगे बढ़ते हैं तो यहां पे मिल जाएगा आपको वर्कडन विल बी भीक्स टू पी थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन और इसको ब्रैकेट में रखते हैं ये मिल गया आपको टोटल थीटा वन वर्कडन सपोजाइट नाइनटी डिग्री या ऐसे सपोज करते हैं जो डाइपोल है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में कैसे नाइनटी डिग्री पर है ऐसा सपोज करते हैं तो इफ थीटा वन इज इक्व इफ थीटा वन इज इक्व टू नाइनटी डिग्री then work done will be equals to PE cos theta टू या इसको cos theta टू ना लिख करके इसका value theta हम suppose कर लो हमने मान लिया कि theta हो गया तो work done is equals to मिल जाएगा PE cos theta here work done will be equals to the energy consumed so the value of potential energy due to this dipole will be equals to PE cos theta इस formula में cos थीटा आया है मतलब पोटेंशियल एनर्जी कौन सी क्वांटिटी होगी स्केलर क्वांटिटी होगी तो जब ये स्केलर क्वांटिटी है तो इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं इन वेक्टर फॉर्म इन वेक्टर फॉर्म u will be equals to यहां पे क्या होगा वेक्टर p e क्योंकि जो डाइपोल मोमेंट है वेक्टर क्वांटिटी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी होता है लेकिन इन दोनों का यहां पे डॉट प्रोडक्ट हम रखा इसलिए जो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया स्केलर क्वांटिटी हो गया देखो यहां पे कुछ केसेस भी क्रिएट होंगे वो केसेस कौन कौन से हैं बताते हैं आपको इफ थीटा इज इक्वल टू इफ थीटा इज इक्वल टू मतलब इस थीटा की हम वैल्यू रख रहे हैं इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री ओके देन यू विल बी इक्वल टू पी ई कहोगे सर कॉस जीरो का कितना होता है तो कॉस जीरो का वैल्यू कितना होता है वन इसलिए हमने लिखा P इंटू इंटू वन अगर करते हो तो कितना मिल जाएगा पीई e मिल गया ये हमें मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी मिल गया अगर सपोज कर लो कि इस थीटा की वैल्यू कितनी हो 90 डिग्री हो जाए मतलब जहां पे हमने इस डाइपोल को प्लेस्ट किया था फिर वहीं पर आ गया तो इस कंडीशन में देखो क्या हो जाएगा इफ थीटा इज इक्वल्स टू नाइन्टी डिग्री देन यू विल बी इक्वल्स टू जीरो क्योंकि यहां पर कॉस नाइनटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी जीरो तो इसका वैल्यू हो गया जीरो और लास्ट केस यहाँ पे बताते हैं इफ थीटा इज इक्वल टू वन एटी डिग्री देन पोटेंशियल एनर्जी विल बी माइनस पी ई क्योंकि कॉस वन एटी का वैल्यू होता है माइनस वन तो हमें मिल गया यू इज इक्वल टू माइनस पी ई तो इसी टॉपिक के साथ हम आज का ये वीडियो खत्म करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए विदा लेते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद